टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं सिरामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के भांडुप में पेस्ट बस का संतुलन बिगड़ने की वजह से हादसा हो गया है। इस हादसे में पौंडलिक भगत नाम के एक व्यक्ति की जान चली गई है, जबकि दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हैं। भांडुप के गढ़ो नाका से ये बस हादसे की खबर सामने आई है। बस नंबर 605 भांडुप रेलवे स्टेशन से तेम्बी पाड़ा की तरफ जा रहा था, मगर इसी दौरान बस ड्राइवर का संतुलन बिगड़ गया और बस अनियंत्रित हो गई और तीन लोग इस बस की चपेट में आ गए। तत्काल घायलों को मुलुंड के अग्रवाल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पौंडलिक भगत को मृत घोषित कर दिया, जबकि रविंद्र प्रकाश तिवारी और मुकेश चंद्र उपाध्याय गंभीर रूप से घायल हैं, इनका उपचार चल रहा है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है। वहीं बेस्ट बस ड्राइवर बबन माने और बस वाहक मनोहर मान सिंह राठौर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले के आगे की जांच की जा रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।